नमस्कार साथियों, समग्र शिक्षा अभियान के तहत सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा एक नया पत्र जारी किया गया है 9 अक्टूबर 2023 को। इसके तहत अब समग्र सेकेंडरी अभियान के अंतर्गत हाई स्कूल और मिडिल स्कूलों का उन्नयन होगा। तो साथियों, क्या है पूरी खबर? जैसे कि इस बार देखा गया है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं मिडिल स्कूल, उन्हें हाई स्कूल में उन्नयन होना है और साथ में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूलों में उन्नयन होना है। ये किस आधार पर किया जाएगा इसे हम देखते हैं और कब तक यह हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उन्नयन हो जाएगा। हालांकि इससे पहले सूचियां भी डल चुकी थी कि इन मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन होना है। मोस्टली देखा जाए तो ब्लॉक में काफ़ी मात्रा में हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन होना है। मापदंड क्या है? जैसे कि प्रति में दिया गया है, कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश, वही विषय है समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन की वार्षिक कार्ययोजना 2024-25 व 25-26 निर्माण विषय। तो साथियों, 2024-25 और 25-26 यानी अगले दो वर्ष के अंतर्गत बहुत सारे मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों का उन्नयन होगा और विभिन्न इसके अंतर्गत योजनाएं भी है, लेकिन हमें इस वीडियो में हम आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के अंतर्गत बनाएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। जैसे कि आगे दिया गया है, समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन एवं शिक्षक शिक्षा घटकों कि जिला स्तर पर पृथक पृथक कार्ययोजना तैयार कर राज्य स्तर पर एकीकृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। गत वर्ष 2025-26 की तक की लिए परफेक्ट प्लान तैयार किया जाना है। परफेक्ट प्लान में आगामी वर्ष के लक्ष्यों को समाहित करते हुए 2024-25 व 25-26 दो वर्षों की सेकेंडरी एजुकेशन की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाना है। इस हेतु कृपया निम्नानुसार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो साथियों, मूल रूप से हम देखते हैं इसमें हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की, तो इसमें जो अगला बिंदु दिया गया है दो, इसके अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों से संबंधित ग्रॉस एक्सेल रेशियो GAR जो 100% प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल तथा हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने की आवश्यकता होगी। इस हेतु प्रत्येक ग्राम बसाहट से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की मैपिंग करना होगी। इसी के आधार पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित दूरी एवं दर छात्र संख्या के मापदंड पूरे करने वाली माध्यमिक शाला और हाई स्कूल का उन्नयन किया जाएगा। जो माध्यमिक शाला है उनका हाई स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। वही निर्धारित मापदंड पूरे न करने वाली ग्राम के पात्र विद्यार्थियों को परिवहन एवं हॉस्टल की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी तथा माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी के अंतर्गत उनकी पहुँच की जाएगी। तो साथियों, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में किया जाना है और हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाना है, और ऐसे स्कूल जहां पर छात्र संख्या कम है तो उन माध्यमिक विद्यालय को अन्य हाई स्कूल में भेजने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था और साथ में परिवहन व्यवस्था की सुविधा भी की जाएगी। तो साथियों, इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।